यहाँ पर आप देखेंगे कि जयंती नाम इंग्लिश में लिखा और नीचे हिंदी में लिखा हुआ है। इसके बाद हमने इसका संशोधन किया है जो कि गायत्री यहाँ पर होके आ गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे स्टेटस भी आपको कंप्लीट दिखा रहा है, क्रिएटेड डेट भी आपको मिल जाती है। इसके बाद हमने ये गायत्री वाला आधार डाउनलोड कर लिया जो कि संशोधन होके आ गया है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द मलिक मॉनिटर पर। इस वीडियो में आज हम जानेंगे यदि आप अपने आधार कार्ड में नाम संशोधन करना चाह रहे हैं या फिर आप फुल नेम चेंज करना चाह रहे हैं तो यह काम आप घर बैठे कैसे कर सकते हैं, जिसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली। इसके लिए आपको किसी भी सेंटर पर विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह काम आप अपने कंप्यूटर पर या पीसी पर या मोबाइल पर बड़ी ही आसानी के साथ कर सकते हैं। तो ये काम आपको कैसे करना, इसके लिए चलेंगे हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आधार में कोई भी सुधार करने के लिए हमको सबसे पहले यूआईडी की वेबसाइट पर आना है। यहाँ पर आपको मिलेगा डाउनलोड, यहाँ पर आप डाउनलोड आधार पर आप क्लिक कर देंगे, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस होगा। लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इंटर योर आधार नंबर आपको डालना है, आपको कैप्चा कोड डालना है, सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। एक ओटीपी आएगी, आपको यहाँ पर डाल के लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड होगा। यहाँ पर आप देखेंगे ऑनलाइन जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, नेम, एड्रेस सब यहीं से चेंज किया जाता है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे अपडेट आधार ऑनलाइन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप आएंगे, नीचे आप देखेंगे प्रोसीड टू अपडेट आधार पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप नाम की दो बार आप सही कर सकते हैं, आप DOB एक बार सही कर सकते हैं, जेंडर एक बार सही कर सकते हैं, एड्रेस कितनी बार भी आप चेंज कर सकते हैं। आपके केस में ये अलग भी हो सकता है। तो हमको अपना नाम चेंज करना है तो नाम चेंज पर हम क्लिक कर देंगे। प्रोसीड टू अपडेट आधार पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो हमारा नेम पहले से होगा आधार कार्ड पे वो यहाँ पर आपको शो हो जाता है। नीचे आप देखेंगे न्यू नेम का आप ऑप्शंस मिल जाता है। यहाँ पर आप अपना जो नाम अपडेट कराना चाह रहे हैं वो डाल सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर हमने नाम डाल दिया है जो हमको आधार में चाहिए। पूरा नेम यहाँ पर चेंज हो रहा है। आपके केस में अगर स्पेलिंग भी सही करनी हो तो आप यहाँ पर वो भी कर सकते हैं, कुछ इसका कोई यहाँ पर इशू नहीं रहता है। तो आधार में नाम संशोधन करने के लिए आपको फुल नेम चेंज करना हो या फिर कोई स्पेलिंग सुधारनी हो तो उसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं तो यहाँ पर आपको एक लिस्ट मिल जाती है। इस लिस्ट में जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाते हैं, CAGS ESC मेडिक क्लेम, कार्ड इशूड, सेंट्रल गवर्नमेंट ड्राइविंग लाइसेंस, इंडियन पासपोर्ट और ये गवर्नमेंट ID कार्ड, बहामा से किसान फोटो पासबुक है, मार्कशीट 10th की होती है वो यहाँ पर आप लगा सकते हैं, मेरिट सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, इसको आपको अवॉइड करना है। ये जेंडर जब नेम लिमिट क्रॉस हो जाती है तब के लिए ये होता है। ये नेपालीस, भूटानीस पासपोर्ट, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, वोटर कार्ड, लिमिटेड फोटो कार्ड, इसको भी आपको अवॉइड कर देना है। पैन कार्ड आप यहाँ पर लगा सकते हैं, पैन कार्ड की अगर PDF है वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, ई पेन जिसको बोलते हैं। पेंशनर फोटो कार्ड यहाँ पर आप लगा सकते हैं, फ्रीडम फाइटर होता है, और पेंशनर पेमेंट ऑर्डर इशूड यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाता है स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज। इसके अलावा आप देखेंगे राशन कार्ड आप यहाँ पर लगा सकते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट आप यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो कास्ट सर्टिफिकेट आसानी के साथ बन जाता है, तो आपको यहाँ पर इसको बना लेना है। अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते थे तो आपके पास TC का भी ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है। यहाँ पर सर्विस फोटो आइडेंटिटी इशू सेंट्रल गवर्नमेंट PSU रेगुलेटरी बॉडीज सिक्योरिटी बॉडीज यहाँ पर आपको मिल जाता है। स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट जो UID की तरफ से डाला जो जारी किया गया है NOCO स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट डायरेक्टर स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा, ये आप इसको प्रमाणित करवा सकते हैं। इसके बाद और इसमें डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, वोटर ID कार्ड भी मिल जाती है, वीज़ा मिल जाता है। तो इसी तरीके से डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, आपको वन बाय वन देख लेना है। तो आपको जो उचित लगे आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे, आपकी नाम की स्पेलिंग जो आप चाहते हैं वो आपके डॉक्यूमेंट्स पर अवेलेबल होना चाहिए। हमारे कास्ट में कास्ट सर्टिफिकेट हम अपना यहाँ पर देंगे तो उसको चेंज कर लिया, फिर यहाँ से हम अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड पे क्लिक करेंगे।
जहाँ पर हमारा डॉक्यूमेंट है फाइंड कर लेना। फाइंड करने के बाद ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड होके आ जाता है, उसकी इमेज भी आपको यहाँ पर शो हो जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह का डैशबोर्ड होगा, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपका लगा रहता है। जो न्यू नेम हमने डाला है वो यहाँ पर शो हो जाता है, हिंदी में भी नीचे आपको शो हो जाता है। इसके बाद अगर आप एडिट करना चाहें तो यहाँ पर एडिट करके एडिट भी कर सकते हैं। दोनों पे एग्री करना है आपको। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होता है। तो नेक्स्ट पे हमने क्लिक किया, यहाँ पर हमको आई एग्री पे हम क्लिक कर देंगे। नीचे मेक पेमेंट पर हमको क्लिक करना है, यहाँ से हम अपना पेमेंट बनाएंगे। पेमेंट करने के लिए वैलेट पे हम क्लिक करेंगे, फ़ोन पे भीम यूपीआई पे हम क्लिक कर देंगे, प्रोसीड पे हमने क्लिक कर देना है। और यहाँ पर हमको क्यूआर कोड एक जनरेट हो जाता है जिसको हमको किसी भी यूपीआई ऐप से स्कैन करके पेमेंट यहाँ से हो जाएगा। तो जिस तरीके से यहाँ पेमेंट हुआ है आप इसी तरीके से अपना पेमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। डाउनलोड कर लेना आपको एक्नॉलेजमेंट, ये आपको सेव करके अपने पास रख लेनी है, भविष्य में इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। गो टू डैशबोर्ड पर हम क्लिक कर देंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर हमको सारे नंबर और यहाँ पर क्रिएटेड डेट वैलिडेशन स्टेज पर लग चुका है। यहाँ पर रिसेंटली हम अपना स्टेटस चेक करेंगे, यहाँ पर देखेंगे क्या स्टेटस हमको शो हो रहा है। यहाँ पर एसआरएन नंबर हमको डालना है, कैप्चा कोड डाल के हम सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी डिटेल पहुँच चुकी है, रिव्यू की जाएगी, इसके बाद जो भी रिजल्ट होंगे आपके सामने होंगे। पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद हम दो दिनों के बाद यहाँ पर हम लॉगिन कर रहे हैं अपने आधार को दोबारा से। यहाँ पर लॉगिन वाला ऑप्शन आया, क्लिक किया, यहाँ पर हमको अपना आधार नंबर डालना है, कैप्चा कोड डाल के सेंड ओटीपी करके ओटीपी डाल के हम यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। ओटीपी डालने के बाद हमारा आधार कार्ड जो है यहाँ पर लॉगिन हो गया है। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे कि हमने इसको 2/3/2023 को अप्लाई किया था, क्रिएटेड डेट आपको यहाँ पर दिखाई दे रही। और आप हमारे कंप्यूटर में देखेंगे तो यहाँ पर 5/3/2023 आज टाइम है, मतलब डेट है आज इसकी। तो तकरीबन दो दिन इसमें कंप्लीट होने में लगे हैं। तो आप भी इसी तरीके से अपने आधार कार्ड में फुल नाम संशोधन कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम यहां से देखें, यहां से अपना आधार डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोबारा से हम यहां पर क्लिक करेंगे नेम एंड जेंडर डेट ऑफ बर्थ पर, यहां अपडेट ऑनलाइन पर हमने क्लिक किया, यहां पर प्रोसीड पर हम क्लिक करेंगे। यहां देखेंगे कि इससे पहले जब हम नाम संशोधन करने के लिए क्लिक किया था तो यहाँ पर जो दिखा रहा था लेफ्ट, मतलब दो बने हुए थे कि दो बार हम यहाँ पर नाम संशोधन कर सकते थे। अब यहाँ पर एक बार आ रहा है क्योंकि अब ये नाम सही हो चुका है। तो दोबारा से प्रोसीड पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि इससे पहले आप अगर हमारी वीडियो स्किप करके देखेंगे तो यहाँ पर आपको जयंती नाम लिखा मिलेगा। वीडियो आप जब पीछे स्किप करेंगे और यो हमने यहाँ पर नाम संशोधन किया, वो यहाँ पर जो गायत्री इनको नाम चाहिए था, स्पेलिंग इनकी इसी तरीके से थी तो इसी तरीके से यहाँ पर स्पेलिंग डाली गई। तो यहाँ पर फुल नेम इनका संशोधन होके आ गया है। तो हम बैक कर देंगे, दोबारा से हम अपना आधार यहाँ से, अगर आप इसी तरीके से आपका जब आधार संशोधन हो जाए तो यहाँ पर डाउनलोड वाले क्लिक करके यहाँ पर अपना आधार डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नाम जन्मतिथि वगैरह लिखी रहती है, आपको यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमारी फाइल जो है डाउनलोड हो चुकी है, हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हमने अपना आधार डाउनलोड कर लिया। यहाँ पर स्पेलिंग देखेंगे, जो हमने स्पेलिंग डाली थी वो यहाँ पर स्पेलिंग आ गई है। जयंती का यहाँ पर फुल नेम चेंज होके गायत्री हो गया, इनका फोटो भी लगा रहता है। यहाँ पर जब इनका आधार बना था तो इश्यू डेट 2017 में हुआ था, हमने आज की डेट में इसको डाउनलोड किया 5/3/2023 में, अभी तुरंत ही इसको डाउनलोड किया है। तो इस तरीके से आप अपना आधार डाउनलोड भी कर सकते हैं। हमारी वीडियो यहीं पर कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो संबंधित कोई भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में आप रख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तब तक इजाजत चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।